हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको, हाँ 11:53। एंड अब स्टार्ट करते हैं गाइस बायोलॉजी के रिवीजन से। एंड अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटा कम से कम लगाऊंगी चैप्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लगाऊंगी चैप्टर पढ़ने में, और अपना बायोलॉजी का एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज करूंगी। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करूंगी, एंड उसके बाद देखते हैं मैं क्या करती हूँ। अभी गाइस मैंने, आप देख सकते हो, 1 घंटा पूरा कर लिया है। एंड अभी मेरा चल रहा है ब्रेक। तो ब्रेक था 5 मिनट का, जिसमें से 3 मिनट बचे हैं। तो अभी मैं 3 मिनट अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लेती हूँ। ऑल्सो मैंने मसल चैप्टर पढ़ लिया है, और फिर मैंने इसको यहाँ तक भी रीड आउट कर लिया है, और इसमें से 2-3 पॉइंट्स ऐसे मेरे मिसिंग थे, तो मैंने उन्हें भी नोट डाउन कर लिया है। तो गाइज मेरा लेक्चर पूरा हो गया है 6 मिनट पहले ही, एंड मेरा मसल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। और अभी मैं सोच रही हूँ स्केलेटल करने से पहले इसके क्वेश्चंस वगैरह लगा लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही स्केलेटल कर लूंगी आराम से। बट उन सबसे भी पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अब लग रही है भूख। ये रहा मेरा खाना, एंड मैं इसको खा के मिलती हूँ। एंड लाइट मैंने जला ली, क्योंकि अंधेरे में ना थोड़ी बहुत नींद आने लगी थी, तो अब शायद नींद ना आए, अगर आई तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं और ज्यादा नहीं है, स्केलेटल से पहले ही मेरे को करने हैं। तो 29 तक मैं करके एंड फटाफट से फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइज मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लिए हैं, एंड अभी मैंने चेक नहीं करे, तो फटाफट से पहले चेक कर लेती हूँ कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो गाइज क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए हैं, एंड थोड़े बहुत गलत भी हो गए। ये मैं दूसरा टेक ले रही हूँ, एक टेक में यार कैमरा मेरा दूसरे एंगल में लगा हुआ था, और मतलब फ्रंट कैमरा खुला हुआ था, और मैंने उसको फ्लिप, मतलब बैक कैमरे से आजकल शूटिंग करने लगी हूँ, तो उसमें यार मेरी सिर्फ आवाज ही आवाज आई है, तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, तो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, 7-8 गलत हो गए, एंड मेरी ही बेवकूफ़ी से गलत हुए। किसी में मैंने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, किसी में मैंने मतलब दिमाग नहीं चलाया, तो इस चक्कर में मेरे गलत हो गए। किसी में मैंने ध्यान नहीं दिया, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े, एंड आई नो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं सारे सही कर रही हूँ, बट ये है कि मुझे पता भी है कि मैं ये गलती करती हूँ हमेशा, गलत क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ती है कुछ, लेकिन पर पता नहीं मैं क्यों चतुर बन जाती हूँ, अपना दिमाग छोड़ देती हूँ एंड मैं अटेम्प्ट करती रहती हूँ, तो उस चक्कर में मेरे गलत हो गए। और ये गलतियाँ सुधारते हैं धीरे धीरे, चलो ठीक है, अभी भी टाइम है, सुधर जाएंगे। एंड कल भी मेरे को बहुत सारे चैप्टर का, मतलब एक दिन में 2-3 चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो कल भी मेरे को बहुत रिवाइज करना है। और अभी इसका स्केलेटल वाला पार्ट बचा है, मैं उसको भी कल ही कवर करूंगी, क्योंकि अभी 2:00 कुछ हो गया होगा टाइम। एंड ये भी है कि फिर सोना भी है, सुबह उठा नहीं जाएगा, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो उससे फायदा नहीं है। एंड अभी फटाफट से सो जाते हैं, ज्यादा नींद आएगी नहीं, क्योंकि मतलब शाम के टाइम, मतलब अभी तो मैं सो ही गई थी, तो अभी फिर सो जाते हैं। एंड अभी मन भी नहीं कर रहा, रात भी हो गई, डर भी लगता है मेरे को, तो इतने ज्यादा कुत्ते भौंकते हैं बाहर, तो चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। मेरा 5 मिनट का ब्रेक, और मैंने यहाँ तक पढ़ भी लिया है, मतलब रिब्स वगैरह तक कंप्लीट कर लिया। एंड अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपना अपेंडिकुलर भी मैं कंप्लीट करूंगी, और उसके बाद फटाफट से इसके क्वेश्चन लगाऊंगी, और फिर मैं फटाफट से शायद या तो कोई लेक्चर देखूंगी, या तो फिर मैं सोच रही हूँ केमिस्ट्री का वो चैप्टर जो था ना
उसको रिवाइज करने का, है ना। मतलब अभी क्या है ना कि मैं धीरे धीरे ना सारे चैप्टर भूलने लगी हूँ, मतलब जो मेरे को हो गया महीना भर से ज्यादा पढ़े हुए, और फिर मैंने उसका रिविजन भी नहीं किया ठीक से, तो मैं उन्हें भूलने लगी हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि अभी उनको ना थोड़ा रिविजन के लिए ज्यादा टाइम दे देती हूँ, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब ठीक है नॉर्मल टाइम दे देती हूँ। मतलब कुल मिला के सब कुछ अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करती हूँ, बार बार रिवाइज करती हूँ। तो जब मैं अलग में थी ना, तो मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने सबसे लास्ट में, स्टार्टिंग में तो नहीं बताया ये सब ट्रिक, सबसे लास्ट में बताई थी उन्होंने, बल्कि स्टार्टिंग में बोल दिया था कि तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा जो कि सबसे लास्ट में बताऊंगा। उन्होंने बताया था कि पूरा जो, अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा कोर्स आपको रिवाइज रहे, तो उसकी सिर्फ एक ही ट्रिक है, उसको आप जितना पीछे पढ़ो और उसको डेली रिवाइज करते रहो, डेली रिवाइज करते रहो, तो क्या है ना फिर वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा और अच्छे से आपको सारी चीज याद रहेगी। और उन्होंने ये भी बोली थी, बट रिवाइज करने के बाद अगर आपको जो पॉइंट्स अब फिर याद नहीं रहते ना, उनको थोड़े अलग पे लिखो, फिर उन्हें रिवाइज करते रहो, फिर उसमें से भी कुछ रह जाते हैं जो आपको याद नहीं रहते, फिर उन्हें अलग पे लिखो, फिर उन्हें रिवाइज करते रहो, तो ऐसे करके आपको पूरा कोर्स याद हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ रिलेट कर पा रही हूँ चीजों को, एंड फिर मैं अभी उसको मतलब अभी अभी अपने सिलेबस को उसी तरीके से रिवाइज करने की और याद रखने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइज आई एम डन विद द रिविजन, एंड अभी चलते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चंस लगाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं, है ना, टॉपिक वाइज भी लगाएंगे, फिर उसके बाद लर्निंग कॉन्सेप्ट वाले भी, एंड पता नहीं पेज नंबर कौन सा है, ढूंढ लेते हैं। गेरा तो अभी स्केलेटल और जॉइंट्स के लगाते हैं, थोड़े बहुत ही हैं, एंड उसके बाद ये सारे लगा लेंगे हम। तो गाइज अभी मैंने कर लिए अपने सारे क्वेश्चंस, एंड अभी मैं करूंगी इनका चेक के कितने सही हैं कितने गलत है। बट मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ा आराम, दिमाग पक गया आप करते करते इन्हें, तो मैं थोड़ी देर पहले आराम कर लेती हूँ और पीती हूँ मस्त सी कॉफी, एंड उसके बाद करूंगी चेक। तो गाइज कॉफी नहीं थी और बना ली मैंने ये ग्रीन टी, एंड अब करते हैं अपने क्वेश्चंस चेक। ये मोल सॉरी बायो मॉलिक्यूल्स का वन शॉट है 3 घंटे का, एंड इसको देख के फटाफट से कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं ये चैप्टर भी। तो अभी गाइस बच गए हैं 8, और मैं थोड़ी देर के ले रही हूँ ब्रेक, क्योंकि अब दिमाग थोड़ा चलना बंद हो गया है, एंड अभी थोड़ा बहुत चैप्टर बचा है मेरा कंप्लीट करने से, तो उसके ब्रेक के बाद कंप्लीट करेंगे।